जी, मेरा बहुत पहला अवार्ड है मेरी पहली फिल्म के लिए, तो बहुत ही स्पेशल फीलिंग है मेरे लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अवसर मिल रहा है आज। और बस यही आशा करती हूँ कि आगे जाके बहुत सारे ऐसे मौके आए और मैं अपने आप को साबित कर पाऊँ। मैं बहुत ही प्रिविलेज फील करती हूँ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया एज बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड देने के लिए और यही चाहूँगी कि मैं अपने आप को आगे भी इस अवार्ड के काबिल साबित कर पाऊँ। लोगों ने बहुत पसंद किया आपके आपके कैरेक्टर को दबंग में, क्या कहना चाहिए, इतना प्यार मिल रहा है, फर्स्ट फिल्म सलमान खान की, आपकी क्या रिएक्शन? इतना सारा प्यार मिलना बहुत ही ओवरवेलमिंग था, लेकिन इतना इतनी खुशी हो रही थी मुझे जब ये सब हो रहा था, तो बस यही कहना चाहूँगी कि पहली फिल्म में इतना प्यार दिया है तो आगे जाके भी इतना ही प्यार दीजिए। जी आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे चुना है तो आई होप मैंने ऐसा किया हो और आगे भी ऐसा ही करना चाहूँगी। और 2019 में तो आपने अपना कमाल दिखाई दिया, 2020 की शुरुआत हो चुकी है, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपकी तरफ से? जी अभी तो कुछ मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन अगर कुछ कंफर्म हो गया तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सभी लड़कों और लड़कियों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे, बहुत सारा प्यार बांटिए सभी को। आपको चोट भी लगी थी? यस यस, आई एम फाइन नाउ, इट वाज अ स्प्रेन, माय एंकल स्प्रेन। 26 जनवरी भी आ रहा है, हाउ डू यू लाइक सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे एंड ओकेजन? तो बचपन से मेरी एक ही याद है रिपब्लिक डे की, हमारे स्कूल में वो फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी हुआ करती थी और हम सब पेट्रियोटिक सॉन्ग परफॉर्म करते थे, तो आई थिंक वही मैं अपने कजिन्स या अपने दोस्तों के साथ करूंगी घर पे। और सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू सो मच। थैंक यू।